हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का। दोस्तों आपके इतने भर भर के सवाल आ रहे हैं, मैंने प्रवेश विगत भी कई वीडियो बनाए हैं और उन सभी में एक सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला जो सवाल है, इस सूचना के आधार पर, इस अधिसूचना के आधार पर एक सवाल मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, वो ये है कि सर आप स्पष्ट रूप से बतला दीजिए कि एग्जाम हमारी मार्च में होगी या एग्जाम हमारी अप्रैल में होगी। तो भाई मैं पहले भी आपको बतला चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं और भी स्पष्ट तरीके से मैं आपको चीज़ों को समझा देता हूँ। मेरे साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। हायर स्टडी से जुड़े हुए मैं तमाम मुद्दों पर आपको सलाह और सुझाव देता रहता हूँ, इसलिए इस चैनल का सब्सक्राइब करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मेरे साथियों, मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखो, 2 मिनट का वीडियो बनने वाला है। मेरे साथियों, मैं आपको बड़े ही स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँगा कि ये जो PDF आप इस समय देख रहे हो, यहाँ पर बिल्कुल कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि भाई आपकी एग्जाम मार्च में ही होगी या फिर अप्रैल में ही होगी। सबसे पहले तो संभावना व्यक्त की है, एक बात तो ये नोट करके चलो कि इसमें क्या है, संभावना व्यक्त की है। आप स्पष्ट रूप से इस बात को पढ़ पा रहे होंगे। अब कुछ फिर से हम लॉजिक को समझने की, गणित को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम की गणित क्या है। देखो भाई, आप इस एग्जाम को फरवरी में देख रहे हो, इस वीडियो को मैं 29 उसको बना रहा हूँ जनवरी को, शायद फरवरी में आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसके बाद भी इस वीडियो को देख रहे हो कोई पता नहीं है। आज के दिन का सिनेरियो ये है कि मान लो कि अभी तक तो आपका नोटिफिकेशन आया नहीं, मान लो कि 1 फरवरी से आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाए। मान लो ऐसा करो कि मान लो 1 फरवरी से आपका फॉर्म फिल होना लग जाए। भाई नियम कहता है कि 30 दिन तो फॉर्म को देना ही देना है, लेकिन मान लो कि 30 दिन ना देकर 20 दिन का समय दे दिया जाए या 25 दिन का समय दे दिया जाए कि 25 दिन के अंदर हमें हमारा फॉर्म फिल करना है। तो आप लोगों ने 1 फरवरी से लेकर मान लो कि 25 फरवरी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया, ठीक है। और जब से ऑनलाइन एग्जाम लगना शुरू हुआ है दोस्तों, तब से एक चीज फिक्स हो गई है कि आपको फॉर्म भरने के बाद में दोबारा आपको समय दिया जाता है और उस समय में आपको ये बतलाया जाता है कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ आपको मांगना है, यानी कि 10 दिन का समय आपको उसके लिए भी मिलता है और 10-5 दिन का समय मिलता है कि आपको एडिट वगैरह करना है, गलती से कोई चीज़ आपके फॉर्म में गलत भर दी है आपने तो उसके लिए भी आपको समय मिलता है। तो अब 20 दिन हमें इस तरीके से मिल गए हैं कि मान लो कि 1 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक हमने फॉर्म भरे और 20 दिन उसमें और ऐड कर देंगे तो लगभग अप्रैल का लास्ट मंथ हमारे लिए आ जाएगा। अब भाई ये तो बिल्कुल वो नहीं है कि भाई आज आपने फॉर्म का प्रक्रिया खत्म की और अगले ही दिन आपने एग्जाम ले ली, और एक सब्जेक्ट तो है नहीं कि भाई एक दिन में एग्जाम कंप्लीट करवा दी। भाई एग्जाम कंप्लीट होने में भी तो समय लगेगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, अलग अलग पारियों में आपको एग्जाम लेने पड़ेगी और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो ऐसा करते करते मुझे, देखो मैं अनुमान के आधार पर बतला रहा हूँ साथियों, कुछ भी संभव है, हम आपको अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ, लेकिन अनुमान के आधार पर बताने से पूर्व मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने आप सभी दोस्तों के लिए, जितने भी हमारे गांव देहात के दोस्त हैं उन सभी के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से मेरी PhD है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है, बहुत सी जगह मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जितने भी हमारे गाँव देहात के दोस्त हैं, वो जिनके पास संसाधनों का अभाव है, तो मैं आप सभी लोगों के लिए NTAUGCNET का Paper 1 की 10 की 10 यूनिट ए से लेके जेड तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। अब आप कहोगे सर इस चैनल पर तो आप पढ़ा ही नहीं रहे हो, पढ़ा रहा हूँ उसका तरीका, कैसे आप उन फ्री क्लासेज का हिस्सा बन सकते हो, ए से लेके जेड तक पूरा 10 का 10 यूनिट इस वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल मिल जाएगी, बस धैर्य के साथ देखते रहो। चलो भाई घूमकर फिर मैं मुद्दे की तरफ आता हूँ कि हमारी एग्जाम कब तक हो सकती है। जैसा कि हमने बतलाया कि भाई 20 दिन जोड़ने के बाद अप्रैल का लगभग लास्ट समय आ जाएगा कि जब तक तो हमारा फॉर्म फिल होने की वो चलती रहेगी। अब मान लो कि ये तो है नहीं कि एक दिन बाद के तुरंत दिन एग्जाम लग जाए, संभव नहीं।
और इतनी सारी एग्जाम होगी तो दो दिन में एग्जाम करवाना भी संभव नहीं है। तो अगर एनटीए जिद को लेकर ही बैठा है कि एग्जाम करवानी करवानी है, तो मेरे साथियों एक बात समझ लीजिए, ये एग्जाम मार्च में तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, मैं लिख कर दे सकता हूं। और फिर से मैं एक बात दोहरा रहा हूं कि संभवतः कहा है एनटीए ने, संभवतः संभावना व्यक्त की है, तो इसको हम पूरी तरह से 100% सटीक भी नहीं मान सकते, तो इसको हम झुटला भी नहीं सकते, यानी दोनों ही केस इस चीज के अंदर है। एग्जाम होगी जरूर ये तय है, पर अप्रैल में होगी, मार्च में होगी या मई में होगी, ये थोड़ा अभी पेचीदा मामला है। तो मार्च को हटा देते हैं, अप्रैल को भी हटा देते हैं हम, तो अप्रैल के लास्ट मंथ, अप्रैल के लास्ट वीक में अगर एग्जाम शुरू हो जाए तो ही जानो, नहीं तो मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि यह एग्जाम अप्रैल के महीने में भी हो सकती है, इसलिए आप हड़बड़ी तो करो मत, ढंग से करो पढ़ाई, और अगर अप्रैल के लास्ट में नहीं हुई तो अप्रैल के लास्ट के बाद में अगला महीना मई के महीने में हो जाएगी, लेकिन एग्जाम होगी जरूर। डेली इस टाइम आ जाया करो, और मैं एक अपना जो चैनल है ना उसकी लिंक मैंने नीचे दे दी है, आप वहां जाकर भी लिंक आपको समय पर मिल जाया करें।